खाना हम इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके लिए दुनिया का हर एक इंसान बड़ी कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। और कई बार तो हमारी दुनिया में ऐसा भी हो जाता है कि हर साल लाखों लोग भूखे ही मर जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपना पेट भर पाए। पर आज के इस वीडियो की सबसे अजीब बात ये है, मैं आज आपको ऐसे अजीब और सबसे महंगे खानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर कोई इंसान खरीद कर खाना चाहे तब वो अपना घर गाड़ी सब कुछ भी बेच डाले तब भी वो उस खाने की कीमत नहीं दे पाएगा। आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज के इस वीडियो में आप जिस खाने के बारे में जानने वाले हो वो आपको लिटरली कंगाल करके रख देंगे। नंबर 7, बर्ड नेस्ट रेड। ये एक खास तरह का चाइनीज सूप होता है जिसे कि ह्यूमन यानी हम इंसानों की लार से बनाया जाता है। सीरियसली व्हाट्स दैट? जी हाँ, इस चाइनीज सूप को आमतौर पर रेड, व्हाइट और येलो इन तीन रंगों में परोसा जाता है। उसमें से रेड सूप सबसे ज्यादा अपनी प्राइस को लेकर फेमस है। इस सूप को साउथ एशिया के फार्म से हासिल किया जाता है और बहुत मतलब हद से ज्यादा महंगे दाम लगाकर उसे बेचा जाता है। उस एक सूप की कीमत करीब $10,000 यानी तकरीबन 7,10,000 रुपए तक होती है, जिसे अगर आप खाना चाहो तब आपको अपना सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। पर मैं आपको इसे खरीद कर खाने की बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं देता। पर हाँ, इस सूप के टेस्ट के बारे में मैं आज आपको बता दूँ। ये सूप खाने में बहुत अजीब दुर्लभ स्वाद करता है जिसे आपने अगर खा भी लिया तब आपके दो पैसे तो बर्बाद तो होंगे और साथ ही साथ आपके मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। नंबर 6, ला बोनोटी पोटैटोस। जी हाँ, ये है आलू। क्या आपके पास कल्पना करने की ये समझ है कि इस आलू को जो आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो तो वे आलू कोई सामान्य आलू नहीं है और ये आलू आपके घरों में मौजूद आलू की तरह बिल्कुल भी स्वाद नहीं करते, बल्कि ये ला बोनोटी पोटैटोस एक दुर्लभ चीज है जो कि सिर्फ नॉर्थ माउंटेन वेस्टर्न फ्रांस में मौजूद है। और ये आलू इस वजह से भी ज्यादा खास है क्योंकि कुछ ही सालों में ये हमारी दुनिया से एक्सटेंट यानी विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए इस खास वजह के चलते पूरे यूरोप में इन पोटैटोस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और एक चौंका देने वाली बात ये है कि इस एक किलो ला बोनोटी पोटैटोस की कीमत तकरीबन $1,600 यानी करीब 1,20,000 रुपए है। क्यों चौंक गए ना आप? नंबर 5, ब्लैक ट्रफल। व्हाइट ट्रफल्स के बाद फ्रांस में काले ट्रफल सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन ब्लैक ट्रफल्स को सबसे ज्यादा महंगे दामों पर बेचा जाता है। ये ब्लैक ट्रफल्स खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन ट्रफल्स को टॉप रेस्टोरेंट्स में टॉप लग्जरी आइटम्स के रूप में परोसा जाता है और उन्हें टेस्ट इनहेंसर्स के रूप में एक मील कोर्स में उनका नाम भी जोड़ा जाता है। इन ब्लैक ट्रफल्स के प्राइस की बात करें तो एक पाउंड से कम मात्रा में ये ट्रफल्स की लागत तकरीबन $1,700 तक जा सकती है यानी करीब 1,20,000 रुपए तक होती है। नंबर 4, वाग्यू बीफ। जैसे अल्कोहल में सबसे ज्यादा मजेदार चीज शैंपियन होती है, बिल्कुल वैसे ये वाग्यू बीफ सभी तरह के बीफ का शैंपियन होती है। और इस बीफ की कीमत कम नहीं होती है, बल्कि इस बीफ का एक किलो मांस नहीं बल्कि एक पाउंड मांस आपके हाथों से $1,300 यानी करीब 93,600 रुपए तक फिसला सकता है। इस मांस का टेस्ट ही उसकी सबसे खास बात है जो इसे इतना महंगा बनाता है। ये बीफ खाने वालों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज साबित हो सकती है जिसे बीफ खाने के शौकीन लोग बिना इसके इतने महंगे प्राइस की चिंता करे बिना इसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 3, मैरसुटा के मशरूम्स। ये विशेष तरह के मशरूम्स हाल के दिनों में हकीकत में इतने महंगे नहीं थे जितने कि ये आज हो चुके हैं। जब से ये बात पता चली है कि ये मशरूम्स कुछ समय बाद हमारी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट यानी गायब हो जाएंगे तब से इसकी प्राइस आसमान छू गई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए या इससे पहले कि ये खाना इस दुनिया से खत्म हो जाए तो उससे पहले लोग इस खाने को खाने के लिए पहले से और भी ज्यादा उत्सुक हो चुके हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना टेस्टी खाना उनके स्वाद में आने से पहले ही इस दुनिया से गायब हो जाए। आमतौर पर इन मैरसुटा के मशरूम्स की कीमत लगभग 1,000 प्रति पाउंड है यानी तकरीबन 72,000 इंडियन रुपए। ये मशरूम ज्यादातर चाइना, फिनलैंड, कनाडा, जापान, स्वीडन और कोरिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। नंबर 2, मूस मिल्क चीज।
चीज। पनीर को आप में से कई लोग खाना पसंद करते हैं, तो आपकी ये फेवरेट चीज जो आप अपने नाश्ते की डिश ऑमलेट या ब्रेड पर लगाकर खाते हो, उस चीज का दाम तो इस मूस मिल्क चीज के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। ये मूस मिल्क चीज खास करके एक महंगे डेयरी प्रोडक्ट के रूप से जाना जाता है, जिसकी कीमत लगभग $500 यानी करीब 36,000 इंडियन रुपए प्रति पाउंड होती है। हालांकि ये मूस मिल्क चीज स्वीडन के कुछ रूरल इलाकों में स्थित एक मूस फार्म में ही मौजूद है। ये चीज पनीर निश्चित रूप से दुनिया के तमाम फूड्स में से काफी स्पेशल है, जो कि एक जादुई रूप से किसी भी खाने की डिश का खेल बदल सकती है। नंबर 1, द फ्लेयर बर्गर। एक बर्गर खाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? 100 रुपए, 500 रुपए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए? मे बी अगर आप किसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाओ तब, पर क्या हो अगर किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आप बर्गर खा लेते हो और उस खाने का बिल करीब 360,000 रुपए आ जाए, तब आपके तो होश उड़ जाएंगे, है ना? जी हाँ, ये सच है। द फ्लेयर बर्गर नाम के इस बर्गर को दुनिया का सबसे महंगा बर्गर का टैग है। इस बर्गर को वाग्यू बीफ, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, और फोई ग्रास और ब्लैक ट्रफल जैसी चीजों को मिलाकर इस फ्लेयर बर्गर को बनाया जाता है। और ये बर्गर अमेरिका के लास वेगास के एक कैसीनो में मिलता है। वैसे आपने आखिरी बार किसी रेस्टोरेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए का सबसे महंगा खाना खाया था, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तब इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।